बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे। मैं हूँ फ्रिया व्लॉग, अल्लाह के करम से आप सबकी दुआ से मैं भी एकदम ठीक हूँ। और मैं कहाँ बैठी हूँ जी, मैं ये देखे बैठी हूँ छत पे, और ये मैं किस पे बैठी हूँ ये देखें, ये एक स्लैब पड़ी हुई है पड़ोसियों की, तो इस स्लैब के ऊपर आप बैठे। सलाम तो बुला लो आप। हाँ जी, बहुत ज़बरदस्त लाहौर में मौसम हुआ है, रात को बारिश होती रही है, हल्की फुल्की सी बारिश हुई थी, ज़्यादा तेज़ नहीं हुई है, और आज भी सुबह से बादल बने हुए हैं, तो मैंने कहा हम छत पे चलते हैं, आपको आसमान का थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा जो काइंडली एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है मेरे चैनल पर जो न्यू है मेरा बहन भाई, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर फैमिली फ्रेंड के साथ साथ में पहले गुनौती उसको प्रेस किया करें कि आने वाली आल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो छत का व्यू दिखाने से पहले मैं गई थी भाई के घर संडे वाले दिन, और वहाँ पर मैंने कुछ थोड़ी सी वीडियो बनाई थी किचन की, और फिर मैंने अपनी भतीजी दोबारा खाई है, माशाल्लाह वो एक महीने से ऊपर हो गई है और बहुत कमज़ोर भी हो गई थी, तो वो भी मैं इसी में एडिट कर दूंगी। तो मैंने कहा चले मौसम भी दिखा दूँ और आप सबसे दोबारा से सलाम दुआ भी हो जाए और हाल चाल भी पूछ ले एक दूसरे का। फ्रिया मुझे गिराएगी, ये देखें ये मुझे धक्के लगाए जा रहे हैं। एक ही तो स्लाइफ है, उस पर हम दोनों कैसे बैठ सकते हैं, ये देखें इतनी सी है, मैं इस पर आके बैठ के उस लड़की से हजम नहीं हो रहा। तो चले आसमान दिखाती हूँ, बादल ये देखें, कितना प्यारा मौसम हो रहा है, बादल बादल, लेकिन अभी धूप निकलना शुरू हो गई क्योंकि टाइम हो गया ना काफ़ी, अब देखा 2 बज गए ये देखें, ये लेकिन सुबह से बादल थे, ये देखें कैसा प्यारा प्यारा बादल हो रहे, प्यारा प्यारा मौसम, ये देखें जैसे रुई नहीं खिड़ी होती खेतों में गांव में, ये और ये फ्रिया के काम देखें, अभी ये पहन के आई है कपड़े और इसका हशर देख लें, एक मिनट में इसने गंदे कर लिए सारी, ये मट्टी लगा ली स्लैब, मैं भी गंदी होगी होंगी, मेरे भी लग गई है ना मट्टी, लगेगी। तो कैमरा में वापस अपनी तरफ करती हूँ और बैठ के बात करते हैं। फिर मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे बैठ के मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच, आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, इतने प्यारे कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ इसी तरह एक दूसरे को सपोर्ट करते रहा करें। और मैं वीडियो भले दूसरे दिन डालूँ या तीसरे दिन डालूँ, आप लोग ये टेंशन ना लिया करें कि फिर या 2-3 दिन बाद वीडियो डालती तो ये हमारी वीडियो नहीं वॉच करती होगी, मुझे जैसे आप लोगों को नोटिफिकेशन आते हैं मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करती हूँ आप लोगों की वीडियो पर आऊँ और आप लोगों की वीडियो जितनी हो सके फुल से फुल देखने की कोशिश करूँ। अगर ज़्यादा बड़ी हो 20-25 मिनट या 15 मिनट तो मैं कम ही देखती हूँ, यानी कि फिर मैं अगर 15 मिनट की है तो 7 से 8 मिनट की देखती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। 5 मिनट की है तो मेरी कोशिश होती है 5 से 6 मिनट, 7 मिनट तक भी हो तो मेरी कोशिश होती है कि मैं फुल देखूँ, क्योंकि मैं साथ साथ घर के काम करती रहती हूँ, साथ साथ आप लोगों की वीडियो देखती रहती हूँ, और जो मेरी वीडियो पे आए होते हैं उनके साथ ही मैं ऐसे ही करती हूँ, उनकी वीडियो साथ चला लेती हूँ, साथ साथ घर के काम करती रहती हूँ और साथ साथ उनकी वीडियो, कभी कभी किसी की 10 मिनट की हो, 11 मिनट की, 12 मिनट की भी फुल चल जाती है, क्योंकि अगर मैंने आटा गूंदना शुरू कर दिया और वीडियो स्टार्ट कर दी है तो समझे मेरे आटा गूंदते तक 10-12 मिनट में वीडियो भी मुकम्मल हो जाती है, हैंड वैंड वॉश करते, आटा संभालते, उसके बाद आकर मैं कमेंट करके। फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियो को इतना पसंद करते और इतने प्यारे कमेंट देते, तो इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें और अपनी दुआ में याद रखें। और इसी में मैं अल्लाह हाफिज़ करूँगी, क्योंकि उस वीडियो में मैं अल्लाह हाफिज़ नहीं कर पाई, भाई के घर गई थी, जो मैंने जैसे मैंने आप सबको बैठा नहीं जा रहा थक गई हूँ, गया 2022 और 2022 में मैं आपके साथ कुछ डिफरेंट और नया करना चाहती हूँ शेयर, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे अच्छे मेरे व्लॉग मिलेंगे और या बहुत अच्छी सी मैं आपके साथ रेसिपियाँ शेयर करा करूँगी। तो अपना ध्यान रखिएगा और अपने प्यारों का ध्यान रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम, क्या हाल है मेरी YouTube फैमिली, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी सी YouTube। तो मैं आई हुई हूँ जी आज अपने भाई के घर, और मैंने आपको छोटी सी हमारी नन्ही परी से मिलाया नहीं, वो सोई हुई है, तो यहाँ पे फिलहाल हम बना रहे हैं खाना। तो भाभी ने कहा चिकन बनाए, तो मैंने कहा चिकन नहीं बनाना, चिकन नहीं खाना, तो हम बना रहे हैं यहाँ पे, क्या बना रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ, ज़रा अदरक लहसुन पीस लो वो देखें वो, लेकिन भाभी ना ग्रैंड नहीं करती हैं, वो कहती हैं कुंडी पे भाजी ज़्यादा मज़ेदार लगता है अदरक लहसुन, ये ना मैं कुंडी पे करके दे रही हूँ। और ये देखें मैंने गाउन भी नहीं उतारा, मैंने ऐसे ही पहना हुआ है गाउन में लगी हुई, बच्चे कह रहे गाउन उतार दो, मैंने कहा नहीं मैं घर जाऊँगी जल्दी, आज थोड़ी देर के लिए आई थी, लेकिन जो मेरी भाभी है ना ये बस ऐसे ज़िद करके खड़ी हो गई, शाम को अभी हमने चाय नान खाए, वो मैंने आपके साथ शेयर ही नहीं की है, मैं जल्दी में मेरे जहन में नहीं रहा, तो ये मैंने कहा चले आपके साथ शेयर कर दूं और आप लोगों को दिखा दूं आज के फिर से दोबारा ये किचन। और ये देखें जी हम बना रहे हैं गाजरे मटर और बंद गोभी, तो यहाँ पे उसका मसाला रेडी हो रहा है, तो
तो यहाँ पे अदरक लहसुन हमारा हो चुका है। यहाँ पे इनके किचन की भी इतनी लाइफ नहीं है, मैंने कहा आप कहाँ गाउन उतारूंगी फिर गाउन पहनूंगी तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मुझे, तो गाउन उतार के फिर गाउन को दोबारा पहनना। यहाँ पे बच्चे आपको दिखाते क्या कर रहे हैं, ये देखेंगे, ये सब आपको सलाम बुला रहे हैं मेरी प्यारी प्यारी। चले जी बस जी वालेकुम सलाम, चले जी बस जाए, ये ना बहुत ज्यादा शोर करते थे हम किचन का दरवाजा बंद करके दोनों। चले जी यहाँ पे देखते हैं आंटी को, और आज प्रिया का सिर्फ आपका ना गाउन ही नजर आ रहा है। प्रिया मेरी भाभी चमचा कितने, ये देखें जी मेरी भाभी आई है, पता नहीं चम्मच कहाँ रख के चली गई। इनका चूल्हा ना ये देखें मुझसे कितना ऊंचा है, इतना यहाँ पे आ रहा है मेरा चूल्हा, तो मैं कहती होती हूँ तुम लोग ना मेरा मुंह जलाओगे किसी दिन, मेरे मुंह के बराबर आता है ये स्लैब इनकी चूल्हे की, ऊपर से इनका चूल्हा भी देखें माशाल्लाह कितना ऊंचा है, तो मैं कहती हूँ भाई तुम लोग ना मेरा किसी दिन अल्लाह ना करे मुंह जलाओगे इतना ऊंचा चूल्हा रखा हुआ है। इन्होंने फिक्स नहीं ना दिखाई है, वो दूसरा वाला चिमनी वाला लगना है ना, जब चिमनी वाला लगेगा तो वो फिक्स वाला चूल्हा आएगा। तो इन्होंने फिलहाल अभी ये टैले जो है भाई काम करते हैं ना वो ठेकेदार है, तो ये देखें ये भाभी की पसंद की है टैले, भाभी को बहुत पसंद है। ये बना क्या हुआ है, ये बने हुए जी कॉफ़ी, कॉफ़ी बनी हुई है। ये देखें जी ये झल्ली में सो रही है, इसका चूसनी लगा दिए, ये बड़ा तंग करती है अपनी मम्मा को, उसकी नोज देखो फजान भाई, उसकी नोज के ऊपर उसकी चूसनी आई हुई है, छोटी जी नोज है फिर और हो जाएगी छोटी, देख छो रही है इसलिए आज मैंने इसको बाहर नहीं निकाला, सर्दी बहुत ज़्यादा है सोने दे झूले में। मैं कहा आपको दिखाऊंगा, अब माशाल्लाह बड़ी होगी ना, महीना और कुछ दिन की होगी माशाल्लाह। ओए क्या कर रही है जोया, सो रही है जोया, ओए 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 ओए। चलें जी चलते हैं वापस किचन में, कर रहे हैं ये मेरे सबसे बड़े भाई की बेटी है, ये हमारा जो काका ही रहना है, ये काका है हमारा शहजाद भाई मेरे रहते हैं ऊपर वाले पोर्शन में, ऊपर वाले पोर्शन में वो है, इस पोर्शन में ये मेरा दरमियान वाला भाई है इस वाले पोर्शन में, और ये सबसे नीचे वाले पोर्शन में बड़ा वाला भाई रहता है जिसकी बेटी मैंने अभी आपको दिखाई है, ये महनूर